बाबू मैं कुछ बोलते क्यों नहीं ऐसे क्यों परेशान हो तुम नहीं हो परेशान हूं तो सही क्या बात है पता नहीं देखो मेरी अंगूठी तुम्हें चाहिए ऐसी अंगूठी कितनी अच्छी लगती है तुम्हें हम दोनों शादी कर ले तो क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम तो स्कूल मास्टर बनोगे पिताजी यही चाहते हमारे मेले में काम करोगे नहीं कुछ करोगे तो सही बस घूमता रहूंगा यहां वहां सारी दुनिया में मेरी उम्र क्या है मालूम है 100-200 साल की होगी हट 18 साल की हो गई हूं मैं बहुत जल्द मैं भी 22 साल का हो जाऊंगा मेरे बाबा हमें एक नया चक्कर खरीद के देंगे जब कहीं मेला ना होगा ना तुम हमारे रिश्तेदारों के साथ रहना हमारे गांव में एक छोटा सा घर भी है तुम क्या बहुत खाते हो कॉलेज में पिताजी फीस और मेस भर में खाने के लिए पैसे भेजते हैं जब कभी रात को देर हो जाती है ना तो एक वक्त भूखे सोना पड़ता है फिर तो बहुत अच्छा है क्या अच्छा है तुम कम खाते हो ना हमारे वहां पे भूखे नहीं रहना पड़ेगा थोड़े में ही काम चल जाएगा और वो भैरों का क्या होगा भैरों मैं तुझे भूल ही गई थी आनंद चुनीलाल जी नाव आ गई है जल्दी तुम कहाँ हो चुनीलाल जी आया दादा हाँ दादा चुनीलाल जी मुझे घर जाना है दादा आप बैठो माँ जी भी आते ही होगा नहीं नहीं अभी